बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस प्रकार हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। मुझे खुशी है कि आने वाले महीनों में कई और राज्य इस सूची में जुड़ने वाले हैं। साथियों, देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट्स, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इन तीनों अहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को, सभी गांवों को हम जितनी बधाई दें उतनी कम है। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती वाटर सिक्योरिटी की होगी। पानी का अभाव विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में भी बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। बिना पानी सामान्य मानवी, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और उद्योग धंधों सबको नुकसान होता है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 घंटे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार बीते 8 वर्षों से इसी भावना के साथ वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जुटी है। ये सही है कि सरकार बनाने के लिए
उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और सबके प्रयास से होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। जिन्हें देश की परवाह नहीं होती, उन्हें देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते। साथियों, आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने, इसके लिए बीते 8 वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़कर 75 हो गई है। इनमें से भी 50 साइट्स पिछले 8 वर्षों में ही जोड़ी गई है। यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। साथियों, पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। देश में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई
उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी। इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि 7 दशकों में जितना काम हुआ था उससे 2 गुने से अधिक काम देश ने पिछले 3 साल में ही कर दिखाया है। ये उसी मानव केंद्रित विकास का उदाहरण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल किले से की है। हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है, कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है, पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक भुक्तभोगी हमारी माताएं बहनें होती हैं। इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही हैं जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है वहां अब बहनों का समय बच रहा है, परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। साथियों, जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का, पूज्य बापू ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था उसका भी उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो कच्छ जिले में माताओं बहनों को पानी से जुड़े विकास कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। ये प्रयोग इतना सफल रहा था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला था। आज यही प्रयोग जल जीवन मिशन की भी अहम प्रेरणा है। जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है बल्कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ है। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव के लोग ही अपने गांव में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो
इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। कठिन लक्ष्य हैं, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। जल जीवन मिशन संसाधनों के सही इस्तेमाल पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गति देते हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। इस मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है उससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी। साथियों, इस अभियान के दौरान जो पानी के नए स्रोत बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, सभी की जियो टैगिंग भी हो रही है। पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता का उसकी मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन का उपयोग करने की भी शुरुआत हुई है। यानी जनशक्ति, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी की शक्ति मिलकर जल जीवन मिशन की शक्ति बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पूरा देश मेहनत कर रहा है, उससे हर घर जल का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक बार फिर गोवा को, गोवा सरकार को, गोवा के नागरिकों को इस शुभ अवसर पर और ये बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल पहले लाल किले से जो सपना देखा था, ग्राम पंचायत से लेकर के सभी संस्थानों की मदद से हम बहुत तेजी से उसको सफल होते देख रहे हैं। मैं फिर एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।